जय हिंद दोस्तों, आपकी दुआ सलामती के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने सैनिक बैंक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए समानांतर मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर एक अपडेट लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले, जो कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। उनमें से कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, पहला कमेंट्स है विट्टल वेडर जी का, जो कहते हैं, सर व्हाट अबाउट इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। तो भाई साहब, इसके ऊपर मैं आपको अभी अपडेट देने वाला हूं। और दूसरा कमेंट्स है सोमू तिवारी जी का, जो कहते हैं कि उनको भी AWL डिक्लेयर किया हुआ है और उनका पेमेंट भी बंद कर दिया गया है। अगला कमेंट्स है कपिल पटेल जी का, उनका कहना है ORJCO का है ही कौन, यानी कि वो एक अपनी ऐसी लाचारी दिखा रहे हैं कि जैसे JCO वार्स को लुक आफ्टर करने वाला कोई है ही नहीं। ये उनका दर्द है, ये हकीकत है, क्योंकि आज जिस तरीके से आए दिन JCO वार्स का तिरस्कार हो रहा है, उनके वीडियो आ रहे हैं, उनसे अमानवीय कृत्य करवाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि वाकई उनका कोई नहीं है, वो राम भरोसे पर है। अगला कमेंट अजय तिवारी जी, वो कहते हैं सर आप ऑफिसर्स के ऊपर आरोप मत लगाओ। भाई साहब, मैं किसी ऑफिसर्स के या जवान जैसे के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो हकीकत है वही बयां कर रहा हूं। आगे कहते हैं पेमेंट अकाउंट में आता है, ऑफिसर्स आपकी पेमेंट बंद करके क्या मिलेगा। ये सही है कि पेमेंट आपका आपके अकाउंट में ही आता है, लेकिन आपके पेमेंट को कौन बंद कर सकता है। जब तक एक अफसर आपका DO2 नहीं करके पब्लिश करके भेजेंगे, आपका पेमेंट बंद हो सकता है? आपको AWL कौन डिक्लेयर कर सकता है? वही तो करते हैं। आगे लिखते हैं, वो आपका क्यों बुरा करेंगे, आप सब अफसर्स को ये प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। भाई साहब, जब उन अफसरों ने अपने सीनियर अधिकारियों तक रिकॉर्ड लेवल तक लेटर लिखे जवानों को पोस्टिंग आने के लिए, और सामने वाले कमांडिंग ऑफिसर ने जवान को पोस्टिंग नहीं भेजा, तो उनके किस लेटर का क्या असर हुआ? उसके बाद ही तो उन्होंने हाई फॉर्मेशन से स्यूमोटो जारी कराया, तभी तो उनको उन्होंने भगोड़ा डिक्लेयर किया एब्सेंट विदाउट लीव, तभी तो उनकी पेमेंट बंद हुई। आप कहां सो रहे हो तिवारी जी, सच्चाई को समझो। अगला कमेंट दोस्तों अमर आरजे जी का है, जो लिखते हैं सर गुड इन्फॉर्मेशन, इक्वल MSP ORP इक्वल CSD इंटाइटलमेंट एबोलिश बट्टी सिस्टम, इन मुद्दों का क्या स्टेटस है। भाई, यही तो मुद्दे हैं जिनके लिए संघर्ष हो रहा है। जिस दिन ये मुद्दे हल हो जाएंगे, तो आपकी 90% समस्याएं हल हो जाएंगी। इन्हीं के लिए संघर्ष चल रहा है। आपकी इक्वल MSP पर मैं अभी आपको अपडेट देने वाला हूं, जिसका दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ORP का, जिसके ऊपर आपके रक्षा मंत्री जी ने एक कमेटी बैठाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इक्वल CSD इंटाइटलमेंट, इसके लिए भी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आवाज उठाई हुई है। और एबोलिश बट्टी सिस्टम, इस पर आए दिन आप लोगों की वीडियो आती रहती हैं, हम लोग भी उनको आपके सामने पब्लिक के सामने रखते रहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ नहीं, रूप बदलते जा रहे हैं। पहले हेल्पर था, सहायक था, सेवा प्रथा थी, अब उसको नया नाम दे दिया बड्डी सिस्टम। एक ही चीज है, और जब तक ये खत्म नहीं होगी, तब तक जवानों को सम्मान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ कमेंट्स, इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं मिलिट्री सर्विस पे का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर। दोस्तों, एक समान मिलिट्री सर्विस पे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, जो कि 27 नवंबर 2018 से कंटिन्यू लड़ा जा रहा है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा, जिसकी बार बार तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। आज उसके ऊपर, यानी कि 2 अगस्त को कोर्ट नंबर 4 में हियरिंग होने वाली है। दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि परिणाम शाम तक क्या आने वाला है,
लेकिन फिर भी होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है। उम्मीद करते हैं कि आज तारीख ना मिले और हियरिंग हो जाए, लेकिन जो भी अपडेट होगा वो आपको मैं दे दूंगा। अभी तक का ताजा अपडेट यही है कि आज इसकी हियरिंग कोर्ट नंबर 4 में होने वाली है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में, आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।